हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ गए फिर से नए ब्लॉग में। मैं हूँ रोनिता बेकर रॉन ब्लॉग्स। तो आज का डेट है 12 जनवरी 2023। तो चलिए आज के दिन स्टार्ट करते हैं। बस अब हम पहुँच चुके हैं पूरी स्टेशन, पहुँच ही गए और अभी हम सब ट्रेन से उतर रहे हैं। मम्मी पीछे है, बाकी आंटी अंकलों के पीछे हैं, पापा मामा मामी आगे। यहाँ पर रेयान है और मामी मिस्टी नीचे। मिस्टी गुड मॉर्निंग। पीछे मम्मी और आंटी है। मम्मी कैसा रहा सफर ट्रेन में? यहाँ पे मामा सामान लेके बाहर, बाकी सब अंदर एसी में। पापा गुड मॉर्निंग, हाविंग देते। अभी तक तो स्टेशन दिखा नहीं है। अच्छा हाँ, वहाँ पे बहुत ही दूर में पूरी और नहीं होगा तो। बाकी वेदर तो ठीक ही है पर बहुत गर्म है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उमस बहुत ज़्यादा है। हमारा रिजॉर्ट में चेक इन तो 11 बजे होगा और अभी बज रहा है 8 ही बज रहा है, तो अभी 3 घंटा है। अगर रूम खाली रहा तो रूम मिल जाएगा, अगर रूम खाली नहीं रहा तो फिर वेट करना पड़ेगा। और हमको बहुत ज़्यादा ही नहाने मन कर रहा है, बहुत ही बॉडी चिपचिप कर रहा है। अभी बाहर आए तो पूरा गर्मी गर्मी लग रहा है। बाकी हम ब्रश कर लिए हैं और बिस्किट खाए हैं। पहुँच गए, सामान उतारते हैं। तपस्विनी एक्सप्रेस था पूरी से हटिया तक, बहुत दूर चलना है क्योंकि यहाँ से जो मेन गेट है स्टेशन का बहुत ज्यादा दूर है, बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा ही चलना पड़ेगा। मेन गेट सच में बहुत दूर है, बहुत चलना पड़ रहा है। हम बहुत ज़्यादा ही पीछे थे, एकदम लास्ट स्टेशन का सबसे लास्ट में थे और अभी चलते चलते बहुत देर हो गया है, तब भी नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ रंग बिरंगा ट्रेन, हावड़ा पूरी। और इधर जो ट्रेन से हम आए बस लगता है और 500 मीटर दूर होगा, वहाँ पे है एकदम लास्ट। अभी ऐसे बैठा हुआ था और गिर गया ऊपर से नीचे। चोट तो नहीं लगा रहे यार? नहीं लगा ना? अभी भी नहीं पहुंचे हैं। फाइनली पहुंचे हैं स्टेशन का मेन गेट के पास। और हमारे साथ भी बहुत लोग गए हैं इस बार पूरी, जैसे मंदारमणि ट्रिप में गए थे वैसे ही अभी भी बहुत लोग आए। इतना बड़ा पंखा पर हवा वैसे ही आ रहा है, छोटा पंखा ऐसा। अभी हमें कैब बुक करना पड़ेगा रिजॉर्ट तक के लिए। पापा यहाँ से कैब मिल जाएगा ना? ओला नहीं चलता। ओला ही चलता है? टैक्सी ऑटो? यहाँ पे पापा बोले कि ओला या कैब नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑटो ही मिलेगा। और यहाँ स्टेशन में इतनी भीड़, पता नहीं ऑटो कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा ऑटो वाला। यहाँ हवा तो बहुत तेज चल रहा है और सही में यहाँ सिर्फ ऑटो और वैन लगा हुआ है, कोई टैक्सी या कैब नहीं दिख रहा है। तो पापा शायद कोई ऑटो बुक किए हैं। गर्मी लग रहा है मम्मी यहाँ, मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा है नहीं पर गर्मी बहुत लग रहा है, उमस बहुत ज़्यादा है।
रिसोर्ट 15 मिनट का रास्ता था। बाकी यहाँ पर रोड बन रहा है, पिछले बार आए थे तो रोड नहीं बना था। एम्पायर्स, यहाँ मंदिर और भी रूम्स बन रहे हैं। हम यहाँ पर आ रहे हैं कम से कम 2-3 साल बाद आ रहे हैं, शायद पिछले बार लॉकडाउन में आए थे। ये रहा यहाँ का स्विमिंग पूल, इधर वाला बच्चों के लिए है और उसमें एडल्ट्स के लिए। और यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने आपको दिख जाएगा समुंदर। जल्दी स्विमिंग पूल में जाएंगे, अभी फ़िलहाल रूम चेक इन करते हैं, पता नहीं रूम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी चेक इन टाइम नहीं हुआ, अभी 9 ही बज रहा है और रूम मिलेगा 11 बजे। अभी पापा रूम कीज़ ले रहे हैं और हम मम्मी यहाँ बैठे हुए हैं। रूम नंबर 208 का है। अच्छा, फुल डब्ल्यू। ये रहा हमारा रूम, खुल जा सिम सिम। और अभी आपको रूम टूर भी दे देंगे। चाबी लगाइए। चाबी कहाँ लगेगा, यहाँ किचन भी दिया है, फ्रिज भी दिया है। बाकी ये रहे हम, हालत ख़राब, फिर बेड है, टीवी, और इधर बालकनी। खुल ही नहीं रहा। बालकनी खुल गया फाइनली, और उधर स्विमिंग पूल है, उधर बीच है। बाकी यहाँ पर हम बैठ सकते हैं शाम को, अभी फ़िलहाल हम रेस्ट करते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। बंद भी नहीं होता। तो रेस्ट कर चुके हैं और अभी हम जाना है, हम लोग को जाना है स्विमिंग पूल में, तो हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। हम रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं स्विमिंग पूल में। तो कोई पार्टनर तो मिला नहीं, तो मामा के साथ जा रहे हैं हम स्विमिंग पूल में। बाकी कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, हम मामा काफ़ी है, कोई ना कोई आ ही जाएगा, कोई ना कोई देख के आ ही जाएगा। ठंडा तो है ही नहीं, नहीं ठंडा नहीं। आइए, मजा आ रहा है। यहाँ मजा आ रहा है, रूम में नहीं मजा आ रहा था, रूम में बोरिंग लगेगा। सबको बुलाया तो कोई आया ही नहीं, सिर्फ हमारे मामा ही आए, ना मामी आई, ना पापा, ना मम्मी, ना कोई अंकल आंटी आए। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे एंजॉय और डालेंगे वीडियो, सब देख के बोलेगा कहाँ है लोग। पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी। अभी हमको बहुत भूख लग रहा था तो कुछ ऑर्डर किए हैं ताकि थोड़ा भूख शांत हो। तो यहाँ पे सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज है, और बाकी थोड़ा सा सैलेड नंबर का, बाकी सॉस और ये पता नहीं कौन सा सॉस है, चिली सॉस है। ठीक है, तो खाते हैं। काफ़ी अच्छा है, अब भूख शांत होगा, फिर तो हमें 1-2 घंटे बाद लंच करने भी जाना है, तब तक के लिए स्नैक्स से काम के साथ चलाते हैं। हम स्विमिंग पूल से आ चुके हैं और अभी हम आए लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में, तो यहाँ बफेट लगा हुआ है, यहाँ पे सूप है, बाकी मेन कोर्स उधर है। इधर नॉन वेज आइटम, लंच करते हैं। ये रहा मेरा लंच प्लेट, इसमें है वेज फ्राइड राइस, राइस, चिप्स, वेज चिली, चिकन, पनीर और नान। खाते हैं, बाकी सभी लंच कर रहे हैं। हम खाना खा चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं रूम में, कि बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है
तो जब तक गर्मी कम नहीं होता, मतलब धूप कम नहीं होता, तब तक हम रूम में ही रहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना तबीयत खराब हो सकता है। रूम में कितना ठंडा लगता है एसी के कारण। चाबी पानी रह गया। अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट इवनिंग स्नैक्स करने के लिए। शायद पापा बोले चाय पकौड़ी, तो देखते हैं क्या वहाँ सच में वही है। हमको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, अब जाकर ही पता चलेगा। कॉफी चाय दोनों, और यहाँ पर पकौड़ी। चलिए हम चाय पीते, चाय पीजिए आप, हम सिर्फ खाएंगे। और यहाँ पर आप फिर से मिल चुके हैं ध्रुव से, आप इसको पहले देखते होंगे। कौन सा व्लॉग? वियतनाम में देखे थे ना? हाँ, वियतनाम मंदारमनी में देखे थे ना? हाँ हाँ। तो ध्रुव कैसा लग रहा है पकौड़ी? मस्त है। आप भी खा लिए? हम खा लिए, तुम खाओ। अच्छा, अभी सब खा लेंगे फिर हम जाएंगे गोल्डन बीच। अभी हम जा रहे हैं बीच, सुनहरा बीच। हम स्नैक्स कर चुके हैं, चाय और पकौड़ी। अब ये बच्चा को हम लोग अपने साथ रखे हुए ताकि हम लोग बोर ना हो। बाल का हालत खराब है, इसका बाल देखिए पूरा सेट। तेरा भाई तभी पूरा सेट, देख मैंने यहीं से खराब किया। चलना बीच तक तो पहुंचने दे, फिर देखना। यहाँ पे ये रहा बीच और ये हमारा रिजॉर्ट। अब बहुत लोग आ रहे हैं, सब साथ में जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में टोटो से। चलो और एक चलाओ। वापस पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट और बहुत दूर पैदल चले हैं। हम बोले थे 2 किलोमीटर पर, वो 4 किलोमीटर था और 4 किलोमीटर पैदल चले, पर कोई ना, काफ़ी अच्छा लगा। पर अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो पापा में अभी तक नहीं पहुँचे, वो लोग दूसरा टोटो से आ रहे हैं। अभी डिनर का टाइम हो चुका है और हम डिनर ले चुके हैं। वेजिटेबल जाफरी, चिल्ली चिकन, फिश, राइस और पनीर खाते हैं। सही हो जाएगा। अभी ये डे 2 है और अभी हम और अंकल जिम खोजने निकले थे। जिम पता नहीं मिला अभी तक। हाँ, जिम आ गया। मिलेगा? मिलेगा। 8 बजे ओपन करेगा बताया, लेकिन जिस जगह से घूम के आए ना, और धोबी घाट दिख रहा है कहीं, 8 बजे हमें कपड़ा ना पकड़ा दे, धोते रहो। जिम हो गया, यहाँ तो तेज पानी गिर रहा है, सब लोग वहाँ खड़े और हम दोनों भी फिंग रहे हैं। वो रहे सब वहाँ पे। अभी तो पूल क्लोज्ड है, बाद में जाएंगे। अभी रूम आए हैं, शूज चेंज करने, हम चप्पल पहन के जाएंगे। पापा अभी कहाँ जा रहे हैं? बीच में। अरे बीच में जा रहे हैं और अभी पानी गिर रहा है, तब भी हम भींगते भींगते जाएंगे बीच में और वहाँ कुछ कुछ गेम्स खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जल्दी से हम चप्पल पहन के चलते हैं और शेक भी, शेक ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा ब्रेकफास्ट है, तो उसको लेना ज़रूरी है, तो भूख लगता रहेगा फिर। मेरा शेक रेडी है, अब हम चलते हैं बीच।
और मेरा शेख। हमारे साथ पोपट हुआ, पापा बोले कि बीच में जाएंगे, पर पापा कहना चाह रहे थे कि ये दोनों पूल है, जो पीछे पूल है, सामने पूल है, इस दोनों पूल के बीच में एक बच्चा गुस्सा भी हो गया है। रैन का है बीच में नहीं गया आप खुश है ना? हाँ। अभी तक बारिश छोटा नहीं है तो अभी तो बीच में नहीं जा पाएंगे, अभी हम फिलहाल बीच में हैं। पापा धोखा कर दिए। अभी वीडियो बन रहा था और सब सेम टी शर्ट पहने हैं। अभी बारिश कम हुआ है तो हम आए बीच में और देख सकते हैं पूरा खाली रोड है और लहर बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ रहा है कि हवा बहुत तेज़ है इसीलिए। बाकी सब पहुंच चुके हैं बीच में। भाई पूरा यहाँ तक आ गया, समुंदर से आ चुके हैं तो अभी हम जाके पहले फ्रेश हो जाते हैं, तो नहा लेते हैं, फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, बफेट लगा हुआ है। तो हम अभी गए थे रेस्टोरेंट बफेट खाने के लिए, तो सिर्फ फ्रूट्स खाए और अभी हम जा रहे हैं पूल में। हम अपने कॉस्ट्यूम में आ चुके हैं, बहुत लोग पहले से ही पूल में हैं। फ़ोन रखते हैं साइड में, जाते हैं पूल में। पूल से आ चुके हैं, अब जाके फ्रेश हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे लंच करने के लिए। बहुत देर पूल में रहे, अप्रॉक्स 3 आवर्स, और हाथ देख सकते हैं, रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए रेस्टोरेंट। बहुत ज्यादा भूख लग रहा है गाइस, यहां एक लड़का माइनक्राफ्ट खेल रहा है, मतलब सस्ता वर्जन। हमें शायद वो लड़का दिख चुका है, फेस रिवील नहीं हो गया, फेस रिवील बफेट लगा हुआ है लंच के लिए। तो ये रहा हमारा खाना, इसमें चिकन है, मशरूम है, पनीर है, वेजिटेबल, मस्ताना, चिप्स, फिश, राइस, फ्राइड राइस और सूप पी चुके हैं, खाते हैं। अभी यहाँ शेप दिया जा रहा है बुश को और अभी हम जा रहे हैं कैफे। अभी हम जा रहे हैं कैफे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो हम ऑटो लेते हैं, पता नहीं ऑटो मिली अभी भी। यही कैफे, तुम काला है ब्रो? हाँ नहीं भाई, टोटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से बस 700 मीटर दूर है। नया छोटा सा ब्लॉग चैनल खोला है समुंदर, और एक आगे बैठा हुआ है सर, क्या नाम है उसका? अंचल। चलो भाई, चल मृणाल। तो काफी अच्छा, वेल इस
इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बैठ कनेक्ट कर दिया। ये क्या होती है ऑर्डर? तुम सोच रहे भाया, let me think। और तुम क्या कर रहे हैं? और ये लोग भी ऑर्डर कर रही हैं। कोई ऑर्डर नहीं कर रहा था, फोन चला रहा। तुम किया है ना ऑर्डर? हम तो सोच रहे भाया। अभी हम रूम पहुंच गए और अभी पार्टी होगा तो टाइम हो चुका है, तो हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं पार्टी के लिए। तो हम ब्लैक थीम रखेंगे अपना और अभी तैयार होकर जाएंगे डायरेक्ट पार्टी में। हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं पार्टी एरिया में जहाँ पार्टी होगा। तो ऊपर ही पार्टी हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, पता नहीं ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर। फाइनली खोजते खोजते मिल गया, यहाँ पर होगा पार्टी। हाँ हाँ सोच रहा हूँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे जो व्लॉग देखते हैं मेरे कि मैं घर पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था लास्ट सीन, तो वो आज का दिन ख़त्म करते हैं जो आप ब्लॉग देखे। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं कल डे टू में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, इसका जो शेयर कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।